अगर उसी को ट्रायंगल में अप्लाई किया जाए मीडियन और एंगल बाई के लिए जरा ध्यान से देखो अगर सबसे पहले मीडियन की बात करें मीडियन ऑफ अ ट्राएंगल ध्यान से देखो कोई ट्रायंगल है सपोज ए बी सी ठीक है और ये इसका मीडियन है ए डी दिस इज मीडियन तो हम जानते हैं कि मीडियन जो होता है क्या वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है मीडियन जो होता है क्या वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है करता है ना तो अगर अगर वेक्टर के टर्म में बात करूं अगर ये वेक्टर ए डी हो ये वेक्टर ए बी हो वेक्टर ए सी हो तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है अगर मिड पॉइंट है तो क्या मैं लिख सकता था प्रीवियस क्लास से वेक्टर ए डी इक्वल टू वाट वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी डिवाइडेड बाई टू लिख सकते थे या नहीं सेक्शन फॉर्मूला लेकिन अगर यही बात हम करते एंगल बाई सेक्टर की एंगल बाई सेक्टर की तो क्या कहानी बदल जाता ध्यान से सोचो ये ए बी सी इस बार ए डी जो है वो एंगल बाई सेक्टर है दिस इज एंगल बाई सेक्टर मीडियन नहीं है तो जरा बताओ एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है यानी कि अगर कोई तुमसे बी डी टू डी सी पूछे तो क्या बोलोगे तो तुम्हें, तुम्हें। तुम्हें तुम्हें। ये दोनों साइड का गधे टू इज टू वन नहीं होता रे गधा कहीं का ए बी बाई एसी एबी बाई एसी एंगल बाई सेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड ठीक है वो इन सेंटर का बात था वो ए बी प्लस बी सी डिवाइड बाई ए सी उसकी बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल तो ये रेशियो आता है बस तो ए बी इज टू ए सी के बराबर अब सोचो वेक्टर के टर्म में बात करें ये ए डी ये ए सी ये ए बी और ये जो ए डी है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी इज टू ए सी यानी कि ये ए बी है जिसको एम बोला करते थे और जो एन होता था वो ए सी का मैग्नीट्यूड है तो जरा बताओ सेक्शन फार्मूला से वैक्टर ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ वैक्टर ए डी इक्वल टू याद करो एम इंटू दिस वैक्टर एम के जगह पे वैक्टर ए बी है मतलब वैक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू वैक्टर ए सी प्लस एन इंटू दिस वैक्टर यानी कि ए सी का मैग्नीट्यूड इंटू दिस वैक्टर ए बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी अरे है कि नहीं एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन वही चीज तो लिखा है ये तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है मैगमोट लग गया है तो याद रहे जिनको नहीं पता हो लिख लेना एंगल बाइसेक्टर डिवाइड अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स ये बात मैंने पॉइंट्स में लिखाया था एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू वैक्टर ए सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इंटू वैक्टर ए बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी अगर ये एंगल बाई सेक्टर ए डी हुआ तो जैसे एक सवाल आया था ए ट्रिपल में बोला कि इन्हें ट्राइंगल ए बी सी इन्हें ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी क्या क्या गिवन था वेक्टर ए बी दिया हुआ है टू आई प्लस टू जे वैक्टर ए सी दिया हुआ है कितना दिया था टू आई प्लस टू के आपको बोला कि AD वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा वेयर AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वेयर एडी इज मीडियन लिख लेना वेयर एडी इज मीडियन यानी कि ये जो AD है ये मीडियन है ऐसा बोल रखा है तो आपको इस वेक्टर AD का मैग्नीट्यूड निकालना है या फिर यूं बोलो तो AD का लेंथ निकालना है दोनों एक ही बात है तो सबसे पहले वेक्टर ए डी निकाल लो वेक्टर ए बी प्लस वैक्टर ए सी बाई टू सिंपल अगर मीडियन की बात हो रही है तो और बाकी उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना यानी कि अगर ये वेक्टर ए बी वैक्टर ए डी वैक्टर ए सी यू फर्स्ट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर सबसे पहले आप वैक्टर ए डी निकालो अगर ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा इसका और मैं लिख सकता था कि वैक्टर ए डी विल बी इक्वल टू वैक्टर ए बी प्लस वैक्टर ए सी डिवाइडेड बाई टू वैल्यू दिया है रख दो तो वेक्टर एस बी दिया है टू आई प्लस टू जे और वैक्टर एडी दिया हुआ है टू आई प्लस टू के डिवाइडेड बाई टू तो आपको मिल जाता है टू आई प्लस टू आई यानी कि फोर आई प्लस टू जे प्लस टू के डिवाइडेड बाई टू तो टू से डिवाइड कर दो तो वेक्टर ए डी आपको मिलता टू आई प्लस जे प्लस के मिलता तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाता भाई अंडर रूट प्लस वन प्लस वन टू स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर दैट मींस रूट सिक्स इज द आंसर यानी कि ए डी का जो लेंथ है वो रूट सिक्स के बराबर है नेक्स्ट एक सवाल आया था आई में इसी के ऊपर उसके पहले ये करो इन अ ट्राइंगल एबीसी फाइंड वैक्टर सम ऑफ द मीडियंस लिखो इन अ ट्राइंगल एबीसी फाइंड द वैक्टर सम ऑफ द मीडियंस आपको निकालना है वैक्टर एडी प्लस वैक्टर बीई प्लस वेक्टर सी एफ फाइंड वैक्टर सम ऑफ मीडियंस वेयर ए डी बीई एंड सी एफ आर मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल बताइए जीरो सही है क्या भाई जीरो आएगा देखो ना क्या मैं ए एडी को लिख सकता हूं ए बी प्लस ए सी बाई टू वैक्टर ए बी प्लस वैक्टर ए सी बाई टू अगर ये मीडियन है तो सिमिलरली वेक्टर बीई अगर मीडियन है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं बी सी प्लस बी ए बाई टू वेक्टर बी सी प्लस वैक्टर बी ए डिवाइड बाई टू दिख रहा है ये बी ई बी सी प्लस बी ए बाई टू सिमिलरली वैक्टर सी एफ को लिखा जा सकता है सी ए प्लस सी बी बाई टू यानी कि वैक्टर सी ए प्लस वैक्टर सी बी डिवाइडेड बाई टू टू एल्सियम अगर ले लेते हो तो आपको मिलने वाला है ऊपर वैक्टर ए बी प्लस वैक्टर ए सी प्लस वैक्टर बी सी प्लस वैक्टर बी ए वैक्टर सी ए प्लस वैक्टर सी बी ऐसा लग रहा है सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा वैक्टर ए बी और वैक्टर बी ए क्या एक दूसरे का निगेटिव होगा सिमिलरली AC ए सी गया AC और सी ए और सी बी चला जाएगा वैल्यू कितना आ जाएगा भाई जीरो बात समझ में आ रही है एक सवाल आया था आई टी में एंगल बाई सेक्टर वाला करते हैं एक ट्रायंगल दिया ए बी सी और इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए ए बी सी केवन जे कॉर्डिनेट मतलब पोजीशन वेक्टर एट के पंखा चलाइएगा बी का कोऑर्डिनेट दिया टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के और C का कोऑर्डिनेट दिया 2i आई प्लस फाइव जे प्लस सेवन के हम्म आगे लिखो फाइंड position vector of a point d find position vector of a point d on the line bc find position vector of a point d on the line bc where ad is an angle bisector where ad is an angle bisector

ए बी इज टू ए सी तो सबसे पहले तो तुम ए बी निकालो और ए सी निकालो या तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो नहीं तो वेक्टर निकाल के डिस्टेंस निकालो दोनों सेम ही चीज है ठीक है चाहो तो वेक्टर ए बी निकाल लो फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो या फिर ए बी का डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा देते हैं यहां पॉइंट है फोर सेवन एट यहां पॉइंट है टू थ्री फोर अरे लगा सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला yes. कितना आएगा फोर माइनस टू स्क्वायर प्लस सेवन माइनस थ्री स्क्वायर प्लस एट माइनस फोर स्क्वायर देखो तो कितना रहा है यह हो गया फोर ये हो गया सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी ट्वेंटी और इधर भी सिक्सटीन थर्टी सिक्स यानी कि सिक्स आ जाएगा सिमिलरली ए सी निकालो देखो कितना रहा है फोर माइनस टू स्क्वायर फोर सेवन माइनस फाइव टू स्क्वायर फोर प्लस एट माइनस सेवन वन क्या थ्री आ रहा है यानी कि बच्चों बी डी इज टू डी सी जो होगा बी डी इज टू डी सी दैट विल बी ए बी डिवाइडेड बाई ए सी यानी कि सिक्स बाई थ्री यानी कि टू इज टू वन ये टू और ये वन सही बात अब मुझे D का कोऑर्डिनेट चाहिए तो वेक्टर AD निकालने की जरूरत ही नहीं है सेक्शन फॉर्मूला लगाओ और D का कोऑर्डिनेट रेशियो पता लग गया सेक्शन फार्मूला से D का कोऑर्डिनेट निकाल दो D का कोऑर्डिनेट हाँ क्या सिक्स आएगा ये हाँ चेक कर ठीक से हाँ, हाँ जी चलो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ यहां पे डी के कोऑर्डिनेट के लिए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन वाला फॉर्मूला डायरेक्ट वही वेक्टर क्यों निकाले हम तो टू इंटू टू प्लस वन इंटू टू डिवाइडेड बाई टू प्लस वन एक्स कोऑर्डिनेट आ गया वाई कोऑर्डिनेट के लिए टू इंटू फाइव प्लस वन इंटू थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस वन और जेड कोऑर्डिनेट एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा टू इंटू सेवन प्लस वन इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू प्लस वन देखो कितना रहा है तो डी का कोऑर्डिनेट जो आपको मिलेगा फोर प्लस टू सिक्स बाई थ्री यानी कि टू टेन प्लस थ्री थर्टीन बाई फोर थर्टीन बाई थ्री और यहां पे आएगा फोर्टीन प्लस फोर एटीन बाई थ्री यानी कि सिक्स ये आएगा और कहीं पे ये ऐसे भी लिखा रहेगा टू आई प्लस थर्टीन बाई थ्री जे प्लस सिक्स के तो कंफ्यूज ना हो दोनों सेम है पोजीशन वेक्टर बोलो या फिर कोऑर्डिनेट बोलो एक ही बात बात समझ में आ रही है <coughs> एक सवाल लिखो ये पूछा हुआ था बहुत पहले ए आई में जो आजकल नीट के नाम से जाना जाता है उसमें ये सवाल आया था आवे फिजिक्स में तो आ सकता है ना फिजिक्स में आया था इफ ए कैप एंड बी कैप लिखो क्वेश्चन लिखो इफ ए कैप एंड बी कैप आर टू यूनिट वेक्टर्स इधर हो गया सबका इधर हो, इधर हो गया तो इधर लिखो इफ ए कैप एंड बी कैप आर टू यूनिट वैक्टर्स इनक्लाइंड एट एन एंगल थीटा ए कैप एंड बी कैप आर टू यूनिट वैक्टर्स इनक्लाइंड एट एन एंगल थीटा देन टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप बताओ टेन थीटा बाई टू का वैल्यू बताना था देखी है, बार। हाँ भाई दो वेक्टर ए कैप और बी कैप इनके बीच का एंगल दिया है थीटा और ऑप्शन में देखो मैग्नीट्यूड ए प्लस बी या मैग्नीट्यूड ए माइनस भी है निकाल के देखते हैं अपने को फॉर्मूला आता है मैग्नीट्यूड ए कैप प्लस बी कैफ का फार्मूला बोलो लिखाया था अंडर रूट मैग्नीट्यूड ए कैप स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी कैप स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मॉड ए कैप मॉड बी कैप इंटू थीटा अच्छा यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वन तो ये तो वन दिया हुआ है तो रख देते हैं वन वन तो ये हो गया बच्चों वन प्लस वन प्लस टू इंटू वन इंटू वन इंटू कॉस्टा थोड़ा सा मैथमेटिक्स अंडर रूट में देखो तो टू प्लस टू कॉस्ट थीटा अगर टू कॉमन ले लूँ तो क्या वन प्लस कॉस् थीटा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन प्लस कॉस् थीटा भाई टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप आ जाएगा अंडर रूट में टू इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू और क्या ये देखो टू टू फोर बाहर निकल के टू और कॉस स्क्वायर बाहर निकल के कॉस थीटा बाई टू आ गया अपने को टेन थीटा बाई टू के पास जाना है वहां तो नहीं पहुंचे चलो एक बार मॉड ऑफ ए कैप माइनस कैप निकालू तो मन में बता दो कितना आएगा क्या डिफरेंस आएगा सर यहां माइनस आएगा यहां माइनस आएगा यहां माइनस आएगा यहां माइनस आएगा यहां एंड वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू तो ऐसा लगता है जैसे बाहर टू साइन थी टू आएगा क्या अब देखो दोनों को डिवाइड करने से टेन इक्वेशन टू मान लो इसको इक्वेशन वन मान लो किसको किस किससे डिवाइड से या टू को वन से टू को वन से तो टू को वन से अगर डिवाइड कर दें तो टू साइन थीटा बाई टू डिड बाई टू टू इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप डिवाइड बाई मैग्निट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप और ये गया और ये बन जाता है बच्चों टेन थीटा बाई टू सो दिस इज आंसर बात समझ में आ रही है नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एंगल बाई ऑफ टू वेक्टर्स हम्म वेक्टर का अभी मिल जाएगा अभी क्लास के बाद क्लास के बाद मिल जाएगा अच्छा अभी मिल जाएगा क्लास के बाद याद दिला देना एक बार हेडिंग लगाओ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू वैक्टर्स एंगल बाईसेक्टर ऑफ टू वैक्टर्स देखो भाई अगर दो वैक्टर दुनिया में हो सपोज वैक्टर ए और वैक्टर बी और हमको एक वेक्टर निकालना है जो इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि अगर यह वेक्टर मुझे फाइंड करना है सपोज दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बाई सेक्टर ऑफ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी तो मुझे ए और बी के टर्म में सी का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते हैं ध्यान दें सब लोग बोर्ड पे ये दोनों एंगल बराबर है बच्चों एंगल बाई सेक्टर है तो इस एंगल को आधा आधा डिवाइड कर रहा होगा मैंने क्या किया इस वैक्टर ए में वन यूनिट का लेंथ काटा एक वन यूनिट का लेंथ का और वैक्टर बी में भी वन यूनिट का लेंथ काटा ठीक है तो जरा बताओ ये जो वैक्टर बनता ये अगर इसको ओ बोल देता अगर ये वैक्टर और ये वैक्टर को देखूं क्या मैं इसको ए कैप बोल सकता था और क्या मैं इसको बी कैप बोल सकता था यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है उसी डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो वन तो ये ए कैप वेक्टर आ गया ये बी कैप वेक्टर आ गया अब इन दोनों को मिला दूं अगर तो इस वाले ट्रायंगल को देखो ट्रायंगल ओ ए बी में ये जो लाइन है पहले तो ये एंगल बाइसेक्टर था ही क्या अभी ये मीडियन बन गया इमेजिन करके देखो अगर ये दोनों साइड बराबर तो क्या ये दोनों भी बराबर तो क्या ये मीडियन बन गया यानी कि ये जो मीडियन तुमको दिखाई दे रहा है ये मीडियन मीडियन अगर मैं इसको कुछ ओ बोल दूं दूसी वेक्टर ओसी जिसको मैं बोल रहा हूं वेक्टर ओसी क्या इसका वैल्यू वेक्टर ओ ए प्लस वैक्टर ओ बी डिवाइडेड बाई टू के बराबर होगा अगर मीडियन है तो अगर इसको वैक्टर ओ ए का वैल्यू देखूं तो कैप कैप प्लस डिवाइडेड ये इतना सा वैक्टर मिला है ओ सी इतना सा वैक्टर मुझे पूरा वैक्टर चाहिए तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा बदलेगा क्या मैग्नीट्यूड यानी कि मैं वेक्टर सी को लिख सकता हूं वेक्टर सी जो इसको एंगल वाइज सेक्टर हमने बोला है इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो लेमडा टाइम्स एक कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाई टू डायरेक्शन तो वही है बदलेगा क्या मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड के लिए बाहर एक कॉन्स्टेंट लगा दिया हमने अब ध्यान से देखो कॉन्स्टेंट टू कॉन्स्टेंट यानी कि वैक्टर को दिख रहा है ए कैप कैप प्लस बी तो दो कॉन्स्टेंट क्यों ले ये भी कॉन्स्टेंट ये भी कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट बाई कॉन्स्टेंट कुछ नया नाम दे दिया सपोज के के टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप ये कहानी है यानी कि किसी दो वैक्टर ए और बी का एंगल बाई निकालना है तो ए कैप प्लस बी कैप बार एक कॉन्स्टेंट ले लो के वो कॉन्स्टेंट के निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दे देगा ऑप्शन में क्वेश्चन में लिखो तो अल्टीमेटली ये काम का चीज है लेमडा टाइम्स या फिर किसी कॉन्स्टेंट ए टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप क्या क्या बोल रहे हैं फिर से बोलो सुनाई नहीं दिया हाँ वो वेक्टर ए दिया था मैंने उसमें से एक यूनिट वाला वेक्टर काट लिया तो वो ए कैप हो जाता यूनिट वेक्टर उसने वेक्टर बी दिया था मैंने एक यूनिट वाला एक वेक्टर काट लिया उसको मैंने बी कैप बोल दिया मैग्नीट्यूड उसका उतना बड़ा अब कितना मैग्नीट्यूड चाहिए उसको उसके हिसाब से के का वैल्यू आ जाएगा लिए लिए तो के नहीं के इस पूरे के मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है एक वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर ये नया वेक्टर बन गया ना अब इसका कितना मैग्नीट्यूड चाहिए वो के डिसाइड करेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतना मैग्नीट्यूड लेंथ का हमको चाहिए वेक्टर एंगल वाई सेक्टर तो उसके साथ इक्वेट कर देंगे के का वैल्यू आ जाएगा उसको जीतना चाहिए जैसे एक सवाल लिखो पूछा हुआ है ये भी आई में उसने बोला कि वेक्टर ए इक्वल टू सेवन आई माइनस फोर जे माइनस फोर के एंड वेक्टर बी इक्वल टू माइनस टू आई माइनस जे प्लस टू के आगे लिखो फाइंड इंटरनल एंगल बाई सेक्टर फाइंड इंटरनल एंगल बाई सेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी फाइंड इंटरनल एंगल बाइसे ऑफ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी हुज मैग्नीट्यूड इज फाइव रूट सिक्स फाइंड इंटरनल एंगल बाइ सेक्टर ऑफ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी हुज मैग्नीट्यूड इज फाइव रूट सिक्स हुज मैग्नीट्यूड इज फाइव रूट सिक्स बात समझ आई तो सबसे पहले मान लो कि एंगल बाई सेक्टर वो वैक्टर सी है तो हम फिलहाल इतना जानते हैं कि सी का जो वैल्यू होगा वो लेमडा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप के बराबर होगा मैग्नीट्यूड बाद में देखेंगे पहले तो इसका एक्सप्रेशन लिखो लेमडा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप चलो लेमडा टाइम्स क्या हम ए कैप निकाल सकते हैं बच्चों कितना सेवन आई माइनस फोर जे माइनस फोर के डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना है कैलकुलेट करो फोर्टी नाइन प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन नाइन एटी वन आएगा यानी कि नाइन आ जाएगा प्लस बी कैप की बात करें अगर तो माइनस टू आई माइनस जे प्लस टू के डिवाइडेड बाई क्या थ्री एलसीएम ले लो तो लेमडा अंदर नाइन एलसीएम आ गया तो यहाँ सेवन आई माइनस फोर जे माइनस फोर के और प्लस थ्री टाइम्स उसको कर दो एलसीएम नाइन आया है तो तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स आई माइनस थ्री जे और प्लस सिक्स के एड करो नाइन बाहर कर लो तो लेमडा बाई नाइन बाहर अंदर देखो कितना सेवन आई माइनस सिक्स आई आई माइनस फोर जे माइनस थ्री जे माइनस सेवन जे एंड माइनस फोर के प्लस सिक्स के यानी कि टू के देखो ऐसा कुछ मिलेगा मिलेगा क्या अब कहानी लेमडा निकालने के लिए या फिर लेमडा लो के लो तुम्हारी मर्जी है तो उसने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड जो है फाइव रूट सिक्स है और हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं यह तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा अंडर रूट में कितना वन प्लस फोर्टी नाइन प्लस फोर एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज फाइव रूट सिक्स इक्वल टू लेमडा बाई नाइन और यह कितना रहा है फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर को कितना लिख सकते हैं क्या थ्री रूट सिक्स लिख दू रूट सिक्स ने रूट सिक्स को मार दिया थ्री से गया थ्री लेमडा का वैल्यू फाइव इंटू थ्री कितना फिफ्टीन इज द आंसर बात समझ में आ रही है हम्म वेक्टर सी जो होगा अरे लम्डा का वैल्यू रखो ना फिफ्टीन बाई नाइन इंटू आई माइनस सेवन जे प्लस टू के दिस इज योर फाइनल आंसर ठीक है क्या चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए स्टोरी ऑफ टू वैक्टर्स स्टोरी ऑफ टू वैक्टर्स दो वैक्टर की जब भी बात की जाती है तो देखा जाता है कि दोनों वैक्टर पैरल है या पैरल नहीं है दो वैक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं मानते हो बात को <laughs> हमेशा कोप्लेनर होते हैं ऐसा होता है क्या परपेंडिकुलर होने से को प्लान नहीं होगा ये एक प्लेन नहीं आ गया कैसा भी हो एक प्लेन उनसे जरूर पास कर जाएगा है ना ऐसा भी होता है नहीं भी होता है लेकिन उसकी बात थ्री में करेंगे ऐसा नहीं है कि हमेशा होता ही है कोई जरूरी नहीं है उसके थ्री 3D में करेंगे लेकिन फिलहाल हम पैरल नॉन पैरल की बात कर रहे हैं तो स्टोरी ऑफ टू वैक्टर्स में बच्चों सबसे पहले लिखो पैरल वैक्टर्स हमने आपको बताया था लास्ट क्लास दो वेक्टर अगर पैरेलल हो याद करें पैरेलल वेक्टर्स में आपको बता रखा था हमने कि अगर कोई वेक्टर ए पैरल है वेक्टर बी के तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी बताया था अगर लेमडा पॉजिटिव होता है तो दोनों सेम डायरेक्शन में और अगर लेमडा निगेटिव हुआ तो एक इधर तो दूसरा इधर याद है अगर मान लो ये वेक्टर आई आईजे के टर्म में दिया है वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप और वेक्टर बी दिया हुआ है बी वन आई कैप सब लोग बोर्ड पे देखें बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप और आपको बोल दिया जाए कि ये दोनों पैरेलल है ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी तो मैं तो लिखूंगा कि वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी यानी कि ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप मस्ट बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप ठीक है तो आई आई जे जे के के अगर इक्वेट कर दे बोथ साइड तो ऐसा लगता है जैसे ए वन इक्वल टू मिलेगा लेमडा बी वन ए टू इक्वल टू लेमडा बी टू मिलेगा ए थ्री इक्वल टू लेमडा बी थ्री तीनों से लेमडा निकालो अगर और लेमडा का वैल्यू देखो तो यहां से मिलेगा ए वन बाई बी वन यहां से मिलेगा ए टू बाई बी टू और यहां से क्या मिलेगा ए थ्री बाई बी थ्री तो आपको याद ये रखना है आज के बाद अगर कभी आई जे के में दो फैक्टर दिया है तो आई जे के का रेशियो बराबर होगा ठीक है बात तीसरा पॉइंट अगर पॉइंट दे दे पॉइंट ऐसे बोल दे कि ए एक्स वन वाई वन जेड वन बी एक्स टू वाई टू जेड टू एंड सी एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री आर कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या सब एक ही लाइन पे लाई कर रहे तीनों पॉइंट कोलिनियर है अब जरा सोच के देखो अगर ये तीन पॉइंट कोलिनियर है क्या मैं वेक्टर ए भी निकाल सकता हूं बच्चों वेक्टर ए भी कितना आया एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू के कैप क्या वेक्टर ए सी निकाल सकता था वेक्टर ac कितना था एक्स थ्री माइनस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल एक्स थ्री माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस जेड थ्री माइनस जेड वन इंटू के कैप अब अगर सोचो तीनों कोलिनियर है तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो मैं ये भी तो लिख सकता था कि वेक्टर ए जो होगा वो पैरल होगा वेक्टर ए सी के एक ही लाइन में है तो पैरल भी है लाइन ऑफ एक्शन सेम है और अगर दो वेक्टर पैरल दो वेक्टर पैरल तो ये कंडीशन होता है आईजे के का रेशियो बराबर तो मैं क्या लिख सकता था ये रेशियो बराबर कर दू यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स थ्री माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई वाई थ्री माइनस वाई वन इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन बाई जेड थ्री माइनस जेड वन ये कहानी है दिस इज कंडीशन फॉर कॉलिनेरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स लिखो पहले यहां तक पैरेलल दो वेक्टर सिंपल दो वेक्टर पैरेलल पैरल आईजे के में अगर दिया है तो जाओ दिल संभल जाए पार्थो कहा था इतना दिन तक दिखाई नहीं दिया अच्छा पास हो गया नंबर लाया आउट फोर्टी में ट्वेंटी फोर इसलिए मेरे फोटो पे कमेंट किया था अंकल लग रहे हो है ना और बाद में तूने कमेंट डिलीट भी कर दिया हरामी है ये है मैं अपना एज घटाने में लगा हूँ दौड़ दौड़ के ये सलाह अंकल बना रहा है रहे हमको हरामी चुप चब्र उसमें लग रहे थे अच्छा तो मैं शर्ट पहनना छोड़ देता हूँ आज के बाद दो चार टी शर्ट खरीदता हूँ आज जाके नहीं नहीं आज जाके मैं दो चार टी शर्ट खरीदता हूँ हम्म वो है रे कहाँ है आजकल अच्छा तू भी जिंदा है मुझे लगा कोरोना में सब शहीद हो गया मेरा दो चार स्टूडेंट इसका एक और पॉइंट है बच्चों लीनियर रिलेशन एक मिनट और देख लो लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स देखो इधर इसका पहला पॉइंट लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स इसमें बोला गया इफ ए एंड बी लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स का मतलब बच्चों तुम पैरल वैक्टर समझना इसका मतलब होता है पैरल वैक्टर्स दो वैक्टर के लिए उसका नाम लिनियरली डिपेंडेंट भी है बोला गया इफ ए एंड बी आर एल डी लिनियरली डिपेंडेंट देन इफ सच दैट सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो एक्स और वाई कोई दो कांस्टेंट है उनके साथ इनका लिनियर रिलेशन जीरो है इसका मतलब एक्स एंड वाई बोथ आर नॉट जीरो ये दोनों जीरो होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ध्यान से सोचो फॉर एग्जाम्पल इधर ध्यान दो हमने बोला था दो वैक्टर पैरल है अगर ए पैरल है वैक्टर बी के तो क्या मैं ऐसा लिख सकता था एक्वल टू माइनस थ्री बी लिख सकते थे ऐसा मान लो इसका मैग्नीट्यूड थ्री टाइम्स होता है डायरेक्शन अपोजिट होता ए और बी पैरल है तो मैं लिख सकता था ए इक्वल टू माइनस थ्री बी इसको इधर ले आऊं तो क्या मेरे पास नहीं आ गया ए प्लस थ्री बी इक्वल टू जीरो ध्यान से देखो तो दोनों का लीनियर रिलेशन बन गया लेकिन इनका कॉफिशियंट जीरो है क्या वन और थ्री नहीं है इनका कॉफिसियंट जीरो नहीं होता है लेकिन अगर इसका उल्टा आ जाता दूसरा वाला केस यहां लिखता हूं लिनियरली इंडिपेंडेंट लिनियरली इंडिपेंडेंट ठीक है अगर बोले कि ए एंड बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब तुमको समझना है सबसे पहले दो वेक्टर के लिए नॉन पैरल वो दोनों पैरल नहीं है नॉन क्टर्स तो अगर बोले इफ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स एल आई सच दैट सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी इनका लीनियर रिलेशन जीरो है एम्प्लाइज एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का कॉफिशियंट जीरो हो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोल दिया कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल टू जीरो है ध्यान से सुनना क्या आई और जे पैरल है नहीं आई और जे पैरल है क्या नॉन पैरल है नॉन पैरल है मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है अब सोचो अगर ये रिलेशन वैलिड है ये तभी पॉसिबल है जब एक्स भी जीरो हो और साथ में वाई भी जीरो वरना ये रिलेशन इनवैलिड हो जाएगा तो कभी भी नॉन पैरल वैक्टर्स है इनको हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे तो अगर उसका लिनियर रिलेशन जीरो है तो उनमें दोनों का कॉफिसियंट जीरो होना पड़ेगा और अगर लिनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स है तो कॉफिसियंट जीरो होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यानी कि वो पैरल वैक्टर्स हैं और वो उस रिलेशन में अपने आप आ जाएगा एक्स ए प्लस वाई भी इक्वल टू जीरो में नोट करो तुम कल क्लास किए थे ना वेक्टर का? साजिद खान आज तो फ्राइडे है तो कुछ बना होगा तेरे घर पे आज पक्का आज झूठ बोल रहे तो रहा ऐसा कुछ नहीं होता है। जुम्मे के दिन बकरा ना खाया जाए तो फिर क्या मजा जुम्मे का अब जैसे उसको ले लो बेचारा पोर्क ना खाए अगर <laughs> मर जाएगा वो सुसाइड कर लेगा वो जाके है नहीं तुलसी मिटा दो

लिखो वेक्टर ए इक्वल टू थ्री आई माइनस जे प्लस नाइन के वैक्टर बी इक्वल टू नाइन आई प्लस लेमडा जे प्लस ट्वेंटी सेवन के इफ ए वैक्टर इज पैरल टू वैक्टर बी फाइंड लेमडा इफ वैक्टर ए इज पैरल टू वैक्टर बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा बताओ हम्म जिनका हो गया उनके लिए अगला सवाल बोर्ड पे है जिनका नहीं हुआ देखें अगर दो वेक्टर कभी भी बच्चों आई जे के फॉर्म में पैरल है तो हमें बस इतना पता है कि ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू लगाना है तो देखो थ्री बाई नाइन मस्ट बी इक्वल टू माइनस वन बाई लेमडा मस्ट बी इक्वल टू नाइन बाई ट्वेंटी सेवन किसी दो को इक्वेट कर लो इन दोनों को ही इक्वेट कर लो तो लेमडा आपको दिख जाएगा इधर आएगा वन बाई थ्री क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो माइनस थ्री इज आंसर इसमें बोला कि ये तीन पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है तो लेमडा निकालना है तो तुम सबसे पहले दो वेक्टर निकाल लेना बच्चों एक तो वेक्टर ए बी निकाल लो और वेक्टर ए सी निकाल लो और दोनों के पैरल होने का कंडीशन लगा दो फिर से वही पुराने सवाल जैसा कभी भी तीन पॉइंट दिया है कोलिनियर बोले दो वेक्टर फाइंड कर लो कोई भी वेक्टर निकाल सकते हो ए बी बी सी ए सी बी ए जो मर्जी करे ए बी निकालते हैं वेक्टर ए बी कितना आएगा बताओ देखो आई माइनस टू आई कितना आई माइनस फाइव जे माइनस थ्री जे कितना माइनस एट जे हमेशा टू आई क्या माइनस थ्री आई और लेमडा जे माइनस थ्री जे तो लेमडा माइनस थ्री इंटू जे ये निकल गया दो वेक्टर देखते हैं अब दोनों पैरेलल है तो फिर से वही कहानी a1 वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू तो वन बाई माइनस थ्री मस्ट बी इक्वल टू माइनस एट बाई लेमडा माइनस थ्री सॉल्व करो माइनस से माइनस उड़ गया लेमडा माइनस थ्री इक्वल टू कितना ट्वेंटी फोर लेमडा का वैल्यू ट्वेंटी सेवन आएगा ये सर आंसर तो ये कहानी था दो वेक्टर दो वेक्टर में कभी भी बात होती है तो पैरेलल नॉन पैरेलल की ही बात होगी ज्यादा से ज्यादा कोलिनियर पॉइंट्स की बात होगी अब बात करते हैं तीन वेक्टर का हेडिंग लगाओ स्टोरी ऑफ थ्री वेक्टर्स स्टोरी ऑफ थ्री वैक्टर्स तीन वेक्टर की जब बात आती है तो पैरेलल नॉन पैरेलल की बात नहीं करते हैं क्योंकि तीन वेक्टर में किसको पैरेलल दिखाएं किसको ना दिखाएं तो बात करते हैं हम कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर की कि तीनों वेक्टर एक प्लेन में है या एक प्लेन में नहीं है तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखोगे थ्री वैक्टर्स में को वैक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर आपको बोले कि वेक्टर ए दिया हुआ है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप वैक्टर बी इज गिवेन बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप एंड वैक्टर सी इज गिवेन सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप और आपको बोल दे कि इफ वैक्टर ए वैक्टर बी एंड वैक्टर सी आर थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स, थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स, तो कंडीशन जो होता है बच्चों वो निकल के आता है डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जिसमें पहले रो में या पहले कॉलम में तुम्हारी मर्जी है पहला वेक्टर का कॉपीशियंट आई जे के का ए वन ए टू ए थ्री सेकेंड में दूसरा वेक्टर बी वन बी टू बी थ्री और थर्ड में तीसरा वेक्टर सी वन सी टू सी थ्री तुम चाहो तो इसको कॉलम वाइज भी लिख सकते हो ये कैसे आता है बताऊंगा कुछ दिन बाद एक 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 को एक्सेप्ट कीजिएगा लीव करके ज्वाइन कर रहे हो ठीक है डायरेक्ट हो जाता है बे। हाँ जी पहला पॉइंट तो ये था कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए दूसरा अगर बोल दे कि फोर पॉइंट्स फोर पॉइंट्स सपोज ए एक्स वन वाई वन जेड वन बी एक्स टू वाई टू जेड टू सी एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री एंड डी एक्स फोर वाई फोर जेड फोर आर कोप्लेनर पॉइंट्स ऐसा बोल दे अगर चार पॉइंट जो है वो को प्लेनर है इमेजिन करो बोर्ड पे देखो ये प्लेन इस पे चारों पॉइंट लाई कर रहा है ए बी सी डी अगर ये चारों एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेक्टर ए बी वैक्टर ए सी और वैक्टर ए डी ये तीनों वैक्टर को प्लेनर होगा अगर ये चारों पॉइंट एक प्लेन पे लाई कर रहा है तो क्या इनको मिला के कोई भी तीन वेक्टर बना दूं तो सारा वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई करेगा अरे ना चार पॉइंट कहीं भी है कोई भी तीन वेक्टर बना दू मैं अपनी मर्जी से क्या ये तीनों को प्लेनर बोर्ड पे नहीं लाई करेगा तो वही बात है तो हम वही कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं अगर ये चार पॉइंट कोप्लेनर तो हमने कंडीशन लगाया कि वेक्टर ए बी वैक्टर ए सी और वैक्टर ए डी ये तीनों कोप्लेनर होगा अच्छा और तीन वैक्टर कोप्लेनर तो कंडीशन हमने पढ़ा देन डिटरमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो बताओ जरा डिटर्मिनेंट में क्या आएगा जब वेक्टर ए बी लिखते तो क्या आता फील करो क्या यहां पे आता एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप आता तो क्या यहां पे आ जाता है एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन सिमिलरली जब ए सी लिखता तो, तो क्या था एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन तो यहां पे आ जाता बच्चों एक्स थ्री माइनस एक्स वन जेड वन ए सी पहले आ गया क्या ए बी ए सी एडी हाँ और जब ए डी लिखते थे माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो दिस इज द कंडीशन कोप्लेनरिटी ऑफ फोर पॉइंट्स बोलते हैं इसको ये तीन वेक्टर कोप्लेनर ए बोर्ड पे देखो दो मिनट और इसमें भी आता है लीनियर रिलेशन रिलेशन ऑफ थ्री वैक्टर्स वहां पे दो वैक्टर था यहां तीन वैक्टर्स तो इसमें बात होगी सबसे पहला लिनियरली डिपेंडेंट लिनियरली डिपेंडेंट इसको बोलते हैं बच्चों कोप्लेनर तुम फुल फॉर्म लिख लेना सबका यानी कि तीन वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट बोले तो तुम उसका मतलब समझोगे कि तीनों कोप्लेनर है जैसे वहां समझते थे दोनों पैरल है तो अगर बोलता है कि बी, सी ए बी सी आर लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स सच दैट सच दैट इनका लीनियर रिलेशन एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू जीरो है इंप्लाइज एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो ये जीरो होने की जरूरत नहीं है पहली बात और दूसरा आता है बच्चों इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट एल आई इसको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर कभी भी बोल दे कि ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एल आई लिख लेना वरना बाद में भूल जाओगे वेक्टर्स सच दैट सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू जीरो तभी पॉसिबल है जब एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं दिया हुआ है तुम्हारे सामने कैप 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 टू जीरो दिख रहा है नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स है यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सो दिस रिलेशन इज पॉसिबल इफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो अगर ये तीनों कॉफिसियंट जीरो है तब बिल्कुल पहले जैसा अभी नोट करो इसको उसमें ज्यादा नहीं लगेगा पांच छे क्लास हम्म चलो सवाल लिखो अगर इधर हो गया तो तीन वेक्टर लिखा हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के वैक्टर बी इक्वल टू थ्री आई माइनस फाइव जे प्लस टू के एंड वैक्टर सी इक्वल टू माइनस आई प्लस टू जे प्लस लेमडा के इफ ए बी सी आर को प्लेनर वैक्टर इफ ए बी सी आर कोप्लेनर प्लेनर वैक्टर्स देन फाइंड लेमडा चलो निकालो जल्दी डिटर्मिनेंट सॉल्व करो आता होगा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना क्या 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 बोल रहे है? इसका आवाज ही नहीं आता है फिर से बोलो हेलो हाँ जी चलो अगर ये तीनों कोप्लेनर है हम जानते हैं कभी भी अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हो जाए तो डिटरमिनेंट जीरो कर देना इधर आएगा वन वन माइनस वन इधर आएगा थ्री माइनस फाइव टू और इधर आएगा माइनस वन टू और लेमडा आई जेके के का काफिशियंट सजा दो अब देखो एक्सपांसन जिसको नहीं आता है वो एक बार बोर्ड पे देखेगा जिसको आता है वो करेगा मैं फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा हूं पहला एक एलिमेंट लो फर्स्ट रो का वन ब्रैकेट ये रो को भूल जाओ ये कॉलम को भूल जाओ माइनस फाइव इंटू लेमडा माइनस फाइव लेमडा माइनस टू इंटू टू फोर दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो का इसके साथ माइनस साइन माइनस वन फिर से ब्रैकेट ये कॉलम गया ये रो गया थ्री इंटू लेमडा माइनस माइनस वन इंटू टू यानी कि थ्री लेमडा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस टू फिर तीसरा एलिमेंट उसके साथ प्लस साइन ही लेना है लेकिन चूंकि माइनस ही है तो माइनस वन इंटू ये कॉलम गया ये रो गया थ्री इंटू टू सिक्स माइनस माइनस वन इंटू माइनस फाइव दैट इज फाइव इक्वल टू जीरो बस अब देखो कितना आया माइनस फाइव लेमडा माइनस फोर ये हो गया माइनस थ्री लेमडा माइनस सिक्स सॉरी माइनस टू और इधर आ गया सिक्स माइनस फाइव वन वन इंटू माइनस वन माइनस वन इक्वल टू जीरो माइनस सेवन बाई एट सबका आ रहा है ये ये पूछा हुआ है ए आई ट्रिपल ई में इफ वेक्टर्स ए आई प्लस ए जे प्लस सी के देखो सी के आ गया कॉमा आई प्लस के एंड सी आई प्लस सी जे प्लस बीके आर कोप्लेनर वैक्टर्स आर कोप्लेनर वैक्टर्स देन सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर चलो तुम तो डिटर्मिनेंट जीरो करो जो होगा अपने आप आएगा को, को, को है। ये तीन वेक्टर दिया कोप्लेनर है आपको सी स्क्वायर का वैल्यू बताना है सॉल्व करके अजीब है ये शुरू कहाँ खत्म तो तुम्हारा जो भाई है वो रूम में रहता है पीजी में रहता है वो दिन भर ऐसे बैठा रहता है आखिर बाहर कहीं घूमने है गुवाहाटी आते ही किसी को पटा पटा लिया क्या नहीं ना पता लगा आते ही पटा गया घूम रहा है एकदम और मैं ये आसमान क्यों चाहिए में कितना आया ए बी सही है तो यहां आ जाता ए ए सी यहाँ आता वन यहां जे नहीं है बच्चों मतलब जीरो वन वहां पे है सी सी बी इक्वल टू जीरो चलिए सॉल्व करें तो देखो फर्स्ट फिर से ए इंटू ये गया ये गया जीरो माइनस सी माइनस ए इंटू ये गया ये गया बी माइनस सी प्लस सी इंटू ये उड़ा ये उड़ा सी माइनस जीरो इक्वल टू जीरो तो ये हो गया माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो ऐसा लगता है माइनस ए सी प्लस ए सी शहीद और सी स्क्वायर का वैल्यू कितना ए बी कोई दिक्कत नहीं चलिए अगला सवाल हाँ कहीं से भी करो थर्ड कॉलम से करोगे ठीक है नहीं क्या लिया इसके साथ पॉजिटिव लिया थर्ड कॉलम मतलब इसके अला हाँ। कैसे नहीं निकलेगा क्या लिया तू सबसे पहले बता इसके अलांग पॉजिटिव लिया कि नेगेटिव लिया पॉजिटिव, पॉजिटिव लिया तो सी इंटू ये गया ये गया क्या बचेगा सी माइनस जीरो ठीक इसके साथ माइनस लिया माइनस वन इंटू उड़ा ये उड़ा ए सी माइनस ए सी जीरो फिर प्लस बी इंटू ये उड़ा ये उड़ा जीरो माइनस ए देख तो नहीं आ रहा क्या दिख तो रहा है सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी साबस चलिए अगला सवाल भाई ए थ्री माइनस टू माइनस वन बी टू थ्री माइनस फोर सी माइनस वन वन टू एंड डी फोर फाइव अल्फा अल्फाइबीसी आर फोर कोप्लेनर पॉइंट देन फाइंड अल्फा एबीसीडी आर फोर को प्लेनर पॉइंट देन फाइंड अल्फा अल्फा का वैल्यू निकालें अगर ये चारों कोप्लेनर है तो जब भी बच्चों चार पॉइंट को प्लेनर पूछे तो आप पहले तीन वेक्टर निकाल लेना वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी कोई भी तीन वेक्टर इनसे मिलके और इन तीनों को कोप्लेनर करके वही डिटर्मिनेंट जीरो सो दिस इज द कॉन्सेप्ट निकालो पहले तीन वेक्टर निकालो ए बी ए सी ए डी फटाफट हां जी वेक्टर ए कितना आएगा टू माइनस थ्री माइनस आई कैप थ्री माइनस माइनस प्लस टू यानी कि फाइव जे कैप और माइनस फोर माइनस माइनस प्लस वन क्या माइनस थ्री के कैप सही लिख रहा हूँ ए सी सी माइनस ए माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर आई कैप वन माइनस माइनस प्लस टू कि थ्री जे कैप और टू माइनस माइनस प्लस वन यानी कि थ्री के कैप ए डी डी माइनस ए फोर माइनस थ्री आई कैप फाइव माइनस माइनस प्लस टू यानी कि सेवन जे कैप एंड अल्फा माइनस माइनस प्लस तो अल्फा प्लस वन के कैप देखो सबसे पहले ये तीन वेक्टर सही निकाला क्या तुमने अब बाकी तो कुछ नहीं बच्चों डिटरमिनेंट जीरो तो यहां माइनस वन फाइव माइनस थ्री माइनस फोर थ्री थ्री और इधर आ गया वन सेवन अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो कैलकुलेशन तुम्हारे जिम में छोड़ रहा हूं अल्फा का वैल्यू यहां से आएगा माइनस वन फोर्टी सिक्स डिवाइड बाई सेवेंटीन घर पे चेक करना थोड़ा जगह छोड़ दो अगले सवाल पे चलता हूं मैं ये सवाल आया था आई में क्या सवाल था वेक्टर ए दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के वैक्टर बी दिया हुआ है 4i आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के एंड वैक्टर सी दिया हुआ है i प्लस अल्फा जे माइनस बीटा के प्लस बीटा के मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर सी दिया हुआ है बच्चों रूट थ्री आपसे बोल रहा है इफ वैक्टर ए वैक्टर बी वैक्टर सी आर लिनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स देन फाइंड अल्फा एंड बीटा इफ वैक्टर ए वैक्टर बी वैक्टर सी आर लिनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स देन फाइंड अल्फा एंड बीटा अच्छा तीन वैक्टर लिनियरली इनडिपेंडेंट सॉरी लिनियरली डिपेंडेंट किधर गया किधर गया हां लीनियरली डिपेंडेंट तो तीन वैक्टर लीनियरली डिपेंडेंट मतलब को प्लेनर करो करना तो वही है यानी कि को प्लेनर है ये तीनों यानी कि डिटर्मिनेंट जीरो करना है सर कीजिए फटाफट सॉल्व करें वन 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 फोर थ्री फोर वन बीटा सॉल्व करो अगर तुम साथ हो वन इंटू थ्री बीटा माइनस फोर अल्फा माइनस वन इंटू क्या फोर बीटा माइनस फोर और प्लस वन इंटू फोर अल्फा माइनस थ्री सही लिखा क्या इक्वल टू जीरो सॉल्व करो तो देखो इधर है थ्री बीटा माइनस फोर बीटा तो माइनस बीटा हो जाएगा माइनस फोर अल्फा और प्लस फोर अल्फा उड़ जाएगा दिख रहा है yes, बहुत बढ़िया तो यहाँ बचा प्लस फोर और यहाँ बचा माइनस थ्री फोर माइनस थ्री होता है प्लस वन इक्वल टू जीरो क्या बीटा वन आ गया सबका आया अरे आया क्या बीटा वन अल्फा कहां से आएगा अल्फा कहां से आएगा ये यूज नहीं किया ना सी का मैग्नीट्यूड दिया है बच्चों सी का मैग्नीट्यूड दिया है रूट थ्री और सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू रूट थ्री बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो तो वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू थ्री और हमने बीटा निकाल लिया वन रख दो यहां तो वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू थ्री अल्फा स्क्वायर इक्वल टू थ्री माइनस टू वन अल्फा का वैल्यू कितना प्लस माइनस वन सो बीटा इज वन अल्फा इज प्लस माइनस वन इज आंसर ठीक है क्या किसी को कोई तकलीफ तो चलो एक होमवर्क है तुम्हारे लिए अब बहुत सीरियसली करना है इसको हालांकि सवाल वही है बट स्टिल कैलकुलेशन बोल रहा है कि माइनस लेमडा स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आई कैप माइनस लेमडा स्क्वायर जे कैप प्लस के कैप आई कैप प्लस जे कैप माइनस लेमडा स्क्वायर केक है ये मान लो वैक्टर ए है यह वेक्टर बी है यह वेक्टर सी है फाइंड नंबर ऑफ सवाल लिखो फाइंड नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा फाइंड नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉरविच वैक्टर ए वैक्टर बी वैक्टर सी आर कोप्लेनर फाइंड नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच वैक्टर ए वैक्टर बी वैक्टर सी आर कोप्लेनर क्या लगता है निकाल पाओगे लेमडा का कितना रियल वैल्यू आएगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं